गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीतू चौधरी, प्रिंसिपल SKS के एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेम टाबरी लुधियाना। आशा करती हूँ कि आप सब अपने माता पिता के साथ घर पर हैं और सुरक्षित हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना नाम की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और हमारा देश भी जो है इससे पूरी तरह से अब ग्रसित हो रहा है, और इससे बचाव जो है वो तभी पॉसिबल है जब हम घर पर रहेंगे। घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जो नियम बताए गए हैं, जो कर्फ्यू के नियम बताए गए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बताए गए हैं, हम सब ने उन नियमों का पालन करना है। अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, बार बार हाथ धोना है, बाहर नहीं निकलना है घर से। इन सब नियमों का हमने पालन करना है, तभी हम इस बीमारी को अपने देश से निकाल पाएंगे। आप जानते हो कि आपके टीचर्स जो हैं एक वीक से आपको होमवर्क जो है वो रेगुलर दे रहे हैं और आपके लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन हो रही हैं या जो भी होमवर्क दे रहे हैं, हमें वो नहीं पता लग रहा कि आपकी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है या नहीं है। तो आपकी इसी पार्टिसिपेशन को जानने के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ अभी डिज़ाइन की हैं कि हमें पता चल सके कि हमारे बच्चे भी जो हैं वो पूरी तरीके से एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस हफ्ते से हम एक नया प्रोग्राम जो है आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हर मंडे आपको एक एक्टिविटी जो है वो दी जाएगी, जो आपने उसका वीडियो बनाना है और अपने इसी व्हाट्सएप लिंक पर आपने भेजना है। व्हाट्सएप लिंक पर भेजने से पहले आपके ग्रुप में मैसेज आएगा कि ये लिंक जो है वो खुला है और आप इस लिंक पर विद इन अ फोर आवर्स अपनी एक्टिविटी का वीडियो जो है वो डाल सकते हैं। जैसे 1st to 5th के लिए हमारी जो इस वीक की एक्टिविटी है वो है मूल मंत्र का जाप, और हमारी जो प्रेयर है देह शिवा वर्मोहि। ये बच्चों ने, हर बच्चे को आती है, और आपने बच्चों ने मूल मंत्र का जाप और प्रेयर इसकी वीडियो बनाकर हमारे लिंक पे जब वो खुलेगा तब डालनी है। जिन बच्चों की बेस्ट वीडियोस होंगी उनको, उनकी जो वीडियो है उनकी वीडियो हम अपनी जो फेसबुक है उस पर भी शेयर करेंगे, अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी डालेंगे ताकि सभी आपको देख सकें। और जो बेस्ट लीडर्स होंगे, स्टूडेंट लीडर्स होंगे, जो हर एक्टिविटी में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, जब स्कूल खुलेंगे तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम उन्हें स्पेशल अवार्ड्स भी देंगे और सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप भी घर बैठे अपनी आवाज़, अपने गुण, अपना टैलेंट को शो कर सकते हैं। तो 1st to 5th के लिए इस वीक की जो एक्टिविटी है वो है आपके लिए कि आपने मूल मंत्र और प्रेयर का वीडियो बनाकर हमें शेयर करना है। और 6th to 10th के लिए है कि आप कोई भी मैसेज, COVID-19 से रिलेटेड कोई भी मैसेज अगर आप देना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी सोसाइटी को, तो आपको मैसेज भेजिए, हमें अपनी स्पीच भेजिए, हमें अपनी कोई पोइम है आपकी लॉकडाउन के ऊपर, आप वो पोइम जो है वो हमें भेजिए। आपकी जो बेस्ट पोइम्स होंगी, बेस्ट स्पीच होगी, उसको हम अपनी फेसबुक पे दिखाएंगे, उसको यूट्यूब चैनल पे शो करेंगे। यही नहीं, फिटनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योग अभ्यास आपको आता है जिससे आपको लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होता है, आप वो एक्सरसाइज करके, वो योगा अभ्यास करके वो वीडियो भी हमें भेज सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी 1st to 5th के लिए क्या चैलेंज है, मूल मंत्र और अपनी प्रेयर अच्छे से गाकर हमें वीडियो बनाकर जब लिंक ओपन होगा तब आपने सेंड करनी है। और 6th to 10th के लिए आप अपना मैसेज
कोई भी COVID-19 से रिलेटेड कोई मैसेज है, कोई स्पीच है, कोई पोइम है, कोई फिटनेस रिलेटेड एक्सरसाइज है, आप कुछ भी हमें भेज सकते हो ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चे भी जो है वो एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं, वो सोसाइटी को जगाने का काम कर रहे हैं, अपने साथ के स्टूडेंट्स को, अपने साथ के फ्रेंड सर्कल को मैसेज दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपना बचाव करना है। तो रेडी हो जाइए सभी स्टूडेंट, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं वर्क एट होम, नाउ इट्स योर टर्न, अभी आपकी बारी है कि हम देखेंगे कि आप कितना एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम सबको आपके वीडियोस का इंतज़ार रहेगा, ठीक है, इसलिए घर पे बैठकर अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करिए। जब आपके व्हाट्सएप लिंक पे आएगा मैसेज कि ये लिंक ओपन है, आप अपने वीडियोस डाल सकते हैं, तो उस टाइम पे झट से रेडी किए हुए अपने वीडियोस जो है वो सबने डालने हैं। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है, अपने साथ साथ अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का भी ख्याल रखना है, ठीक है। हमें कोरोना को भगाना है और अपने देश को बचाना है और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।